बेटा जी मैं बोल नहीं रहा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आ गए सभी, लगभग लगभग सभी आ गए दिखते हैं, आ रहे हैं अभी और भी। चलिए देखो, आज अपन एक नया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। उसके लिए तुम्हें ये बनाना है, सबसे पहले पूरा कॉपी कर लो बोर्ड ये, उसके बाद ये, फिर ये, कैसे भी कर लो आगे पीछे। स्टार्टिंग तुम्हें यहां से करनी है, ये और ये दूर दूर बनाना, ठीक है? अपनी कॉपी में दूर दूर बनाना, इसको लिखो, सभी लिखो इसको, और जब सब लिख लेंगे तब फिर मैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। एज इट इज बनना चाहिए। एक और एक एक और देखो, बना तुम एफ कॉस, ये ध्यान रखना। देखो ये कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस कॉस साइन, साइन कॉस साइन, सब है ठीक है? इसको एज इट इज कॉपी कर लो, कॉपी में दूर दूर करना। डायग्राम बड़े बनाना, बड़े डायग्राम बनाना, इसलिए मैं तुम्हें कॉपी करने के लिए दे रहा हूँ। बड़े बड़े डायग्राम बनाओ, इनको दूर दूर कॉपी करना। लिखो फटाफट, 5 मिनट तुम्हारे पास।
देखो बेसिकली कंपोनेंट, अब देखो समझना फिर तुम खुद लिखोगे। कंपोनेंट का मतलब होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड करना, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड करना। कंपोनेंट का मतलब होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड करना। डिवाइड भी कितने तरीके से, दो तरीके से, ठीक है। एक तो कॉस थीटा के पास है, सॉरी कॉस थीटा, और एक साइन थीटा, ठीक है। अब कंपोनेंट मान ले फोर्स है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इस फोर्स के कोई सा भी एंगल दिया हुआ रहेगा, तुम्हें चाहे ये दे चाहे वो दे, कोई सा भी दे दे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है दो पार्ट में, इस फोर्स को डिवाइड करना है दो पार्ट में। तो एक पार्ट तो थीटा के पास वाला होगा, एक पार्ट थीटा के दूर वाला होगा। तो पास वाला होगा एफ कॉस थीटा, ठीक है, एफ कॉस थीटा। दूर वाला होगा एफ साइन थीटा, ठीक है। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी अगर एक्सिस पे ही है, कहां पर है, एक्सिस पे है, जैसे मान लो इस पे है, यहाँ पे इस एक्सिस पे है, तो इस एक्सिस पे है तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। और इसमें 120 है, अब तुम कहोगे सर 120 क्यों नहीं लिया, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान रखना, नियरेस्ट एक्स और वाई एक्सिस से लेना है, नियरेस्ट एक्स और वाई एक्सिस से लेना है। 120 ये 90, तो ये 30, तो एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से अपन कॉम्पोनेंट करना है। अब ये जो चीज मैंने बोली है वो अपनी भाषा में लिखो, थीटा के पास वाला कॉस, दूर वाला साइन। कंपोनेंट का मतलब डिवाइड करना होता है, और एंगल अपन पास वाले से और दूर वाले से नहीं लेके पास वाले एक्सिस से लेते, ठीक है। इसको लिखो अपनी भाषा में, फिर आगे पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना। लिख लिया अपनी भाषा में सबने, चलो बहुत अच्छी बात है, सबने लिख लिया है।
ये बाकी मैसेज क्यों नहीं करते हैं भाई? अच्छा मैं लिखाऊं तुम्हें? देखो पहले लिखूं, कंपोनेंट का मतलब होता है फोर्स को डिवाइड करना, सॉरी इसलिए को तुम, कंपोनेंट मींस वेक्टर क्वांटिटीज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कंपोनेंट मींस वेक्टर क्वांटिटीज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज कॉस थीटा, 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 फर्स्ट वन इज कॉस थीटा एंड सेकेंड वन इज साइन थीटा। ठीक है, लिख लिया। कॉस वाला जो कंपोनेंट होता है वो किसके पास होगा? थीटा के पास। इसको हिंदी में लिख लो अपनी भाषा में, जो कॉस वाला कंपोनेंट होता है वो थीटा के पास होता है। ठीक है, और थीटा हमेशा कहां से लेंगे? नियरेस्ट एक्सिस से। थीटा अपन हमेशा कहां से लेंगे? नियरेस्ट एक्सिस। ठीक है, अब समझ में आ गया ये? अब बताओ बुक किस किसके पास है? बुक्स बुक्स किस किसके पास है? फिजिक्स की 11th की बुक ले लियो तुम, बुक्स किस किसके पास है? फिजिक्स की बुक किस किसके पास है? हाँ बेटा प्रिया, ये टॉपिक वेक्टर का ही पार्ट है।
चलो सब अपनी बुक खोलो, वेक्टर्स वाला मैथ पे वो निकालो, फिजिक्स की बुक खोलो और उसमें वेक्टर्स वाला चैप्टर निकालो। उस वेक्टर्स वाले चैप्टर में लिखा हुआ होगा ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें लिखा हुआ होगा ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ बेटा लिखा हुआ है क्या? ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वेक्टर्स वाले चैप्टर में बेटा, वेक्टर्स वाले में देखो ये थर्ड चैप्टर होगा। मैं एक बार कैमरा ऑन कर रहा हूं तो किस किस का कैमरा ऑन हो जाता है वो ऑन करना होगा अपना अपना कैमरा। एक कैमरा ऑन करना, किस किस का कैमरा ऑन हो रहा है? सबका ऑप्शन आ रहा होगा कैमरे का, वो माइक वाला ऑन कर लो। हाँ पार्ट फर्स्ट में एक जना माइक ऑन कर लो अपना, कोई भी जिसका हो जाए। हाँ बेटा तुम्हें कौन कौन से चैप्टर, देखो अब बोलो मेरे को बताओ तुम्हारी बुक में क्या कौन कौन से चैप्टर दे रखा है। सर चैप्टर नंबर 4 में है एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर में आके देखो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखा हुआ है, दिख गया? सर एक मिनट, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दो चीज लिखी हुई मिली होगी। वेक्टर एडिशन वाले टॉपिक में सर चैप्टर नंबर फोर, एनालिटिकल हाँ एनालिटिकल मेथड, ठीक मेथड है? मेन टॉपिक अभी उसमें लिखा हुआ होगा एनालिटिकल मेथड की पहले लिखा होगा ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नहीं सर, उसके पहले तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है। देखो एक फॉर्मूला दिखा ऐसा लिखा हुआ मिल रहा होगा तुम्हें, देखो बुक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। एनालिटिकल मेथड से आगे पीछे देखो ये फॉर्मूला है नेट फोर्स निकालने का। ये फॉर्मूला है उसमें देखो, उसमें लिखा होगा ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिया गया
चलो ऐसे करो, नहीं मिला बेटा तुम्हें? नो सर। पेज नंबर 66 खोलो। हाँ सॉरी 72 खोलो। कौन सी सर, बुक है तुम्हारे पास? एनसीईआरटी वाली है। हाँ 72 खोलो। उसमें देखो ट्राइंगल्स लो, पैरेललोग्राम लो। सर इसमें पैरेललोग्राम का डायग्राम तो है पर ये लॉ कहीं लिखा हुआ नहीं है। हाँ तो कहीं ना कहीं लिखा होगा ना, पैरेललोग्राम ट्राइंगल्स लो लिखा हुआ होगा, मेथड लिखा हुआ हो। देखो दो है एनसीईआरटी की इस बार, वो अलग अलग किताबें चल रही हैं, तो पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है, पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है। सर हम देखते हैं। आर्यन यादव कौन है भैया? नहीं मिला बेटा, वो अलग अलग बुक्स में है। ये किसी का 68 72 पेज नंबर अलग अलग है बेटा। नहीं सर एनालिटिकल मेथड्स ही मिल रहा है और तो कुछ नहीं दिख रहा। ट्राइंगल कहीं दूसरी बुक दिखा में नहीं तुम्हें सर टॉपिक है। तो और कौन सी बुक टॉपिक है? नहीं नहीं दिख रहा, एक पार्ट सेकंड भी है उसमें दिख रहा नहीं पार्ट सेकंड में नहीं है, फर्स्ट में होगा। सर। ट्राइंगल्स पैरेललोग्राम्स इनके डायग्राम्स तो है पर बेटे कहीं डायग्राम लिखा है हुआ तो नहीं है। 100%। हाँ तो वही टॉपिक लिखा हुआ होगा तो मैं दिख नहीं रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, देखो इस चैप्टर के लास्ट में जाके देखो, नोट लिखे होंगे ना स्पेशल, वो चैप्टर के बाद में वो लिखे हुए रहते हैं, तब जाओ चैप्टर के लास्ट में नोट पॉइंट्स। यस सर। वहां पे ट्राइंगल्स लो वेक्टर्स को लिखा हुआ है क्या? नो सर नहीं मिला। बेटा तुम्हारे पास एनसीईआरटी है या कुछ और कौन सी किताब है तुम्हारे पास? सर एनसीईआरटी ही है। किसको मिल गया ये सब? सुमित अपना माइक ऑन करो।
सर 68 पेज नंबर पर है, पैराग्राफ तो में। वो बोल्ड लाइन में लिखा होता है एनसीईआरटी का टॉपिक, वो हाँ बोल्ड में लिखता पैराग्राफ है में वो। है, तो पैरेललोग्राम देखो अब मैथड है। एनसीईआरटी में कोई बात नहीं, अब देखो एनसीईआरटी में समझाता हूँ पहले, फिर अपन ये तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख दी गई या फिर मैं अपनी लैंग्वेज लिखता हूँ। पैरेललोग्राम में कहता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लो ये ए वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है बी, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर ये एक दूसरे के, एक वेक्टर और बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और दो वेक्टर अपने पास, सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर इन सेम फेस, सेम फेस का मतलब इसका हेड इसका टेल, इसका हेड और इसका टेल हो, मतलब सेम फेस में हो, यानी कि सीक्वेंस में हो, दे आर इन सेम फेस, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल सी इज टू ए प्लस, यानी ट्राइंगल्स लॉ में कहता है कि अगर मेरे पास दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, दो साइड्स अगर मेरे को, मेरी दो साइड्स अगर वेक्टर, दो साइड्स जो हैं वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों सेम फेस में हैं, सेम फेस का मतलब ये हेड टेल, ऐसा नहीं होना चाहिए ये और ये, ऐसा नहीं, दोनों एरो एक साथ नहीं, इसका एरो और इसका टेल, अगर ऐसा है तो अगर मैं ट्राइंगल फॉर्म करूं तो थर्ड साइड होगी अपोजिट सेंस में, इसमें अपोजिट सेंस में, ये सेम सेंस में है दोनों, तो अपोजिट मतलब दोनों आपस में टकरा रहे हैं, तो जो थर्ड साइड होगी वो किसके बराबर होगी, उन दोनों के ए और बी के वेक्टर एडिशन के बराबर होगी, उन दोनों के वेक्टर एडिशन के बराबर होगी, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, अपना ट्राइंगल्स लॉ, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में क्या है, एक्चुअली में लिखा हुआ शायद नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ होना चाहिए पीछे, तो या तो मैं लिखा देता हूँ कोई टेंशन नहीं है, लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जाके स्टेटमेंट चेक करो, स्टेटमेंट लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ होगा, मैं लिखा दूंगा टेंशन मत लेना, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा कुछ भी नहीं है। If two vectors, two sides of a triangle represents two vectors in same sense, then third side of the triangle in opposite sense is equals to sum of two sides. और कौन सा सम है ये? Vector sum of two sides. Vector sum of two sides. अगर ऐसा हो अपोजिट सेंस का मतलब वो है आप वैसे ले लोगे तो वैसे नहीं करना, अगर मान लो ये है ठीक है, ये ऐसे आ गया, एक बच्चा बोल रहा सर ऐसे हो जाए, तो बेटा फिर अपोजिट सेंस में कहाँ रहा है, ये तो सेम सेंस में हो गया, इसमें हो गया सेम सेंस में हो गया, तो मेरे को किसमें चाहिए अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस मतलब ऐसे आपस में टकराए, देखो इसका टेल इसका टेल, इसका हेड और इसका, ठीक है समझ में आ गया बेटा। वीरेंद्र आगे समझ में ही है, अब देखो अब इसका स्टेटमेंट या तो तुम्हारे पास लास्ट में पॉइंट्स में लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ तो मैं करवा दूंगा, देखो देखिए है क्या, लिखा हुआ या वहां पे वहां से लिख लोगे, बोलो बेटा फास्ट,
चलिए लिखिए, मैं लिखा देता हूं, लिखो। ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैं लिखा देता हूँ, लिखो। टॉपिक डाल लो, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। टॉपिक डाल लिया सबने, देखो। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स लॉ, ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स लॉ, ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल If two sides of a triangle, if two sides of a triangle are in same sense, represents in same sense, in same sense represents, in same sense represents the two sides of a triangle, 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 then two sides of a triangle, then the third side of the triangle, then the third side of the triangle represents, then third side of the triangle represents then the third side of the triangle represents third side of the triangle represents the vector sum of remaining two, the vector sum of remaining two, the vector sum of remaining two sides, the vector sum of remaining two sides as shown in figure,
ठीक है, लिख लिया हमने, ये स्टेटमेंट हो गया, डायग्राम बना लो, स्टेटमेंट हो गया, डायग्राम बना लो, फटाफट बनाओ। वेरी गुड, बेटा अभी तो बोला ही नहीं कुछ मैं। ठीक है, स्टेटमेंट आप वापस, अगर किसी को नहीं आया तो आपस में कॉपी कर लेना।